खबर खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उज्जैन आलोट संसदीय सीट पर 13 मई को मतदान होना। प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाचरोद पहुंचे। उज्जैन मांगलिक भवन से शुरू हुआ रोड शो गणेश देवली अनंत नारायण मंदिर चौराहे चबूतरा चौराहा होते हुए शुक्रवारिया बाजार में सभा के रूप में परिवर्तित हुआ। सामाजिक संगठनों ने मंच लगाकर गर्मजोशी से पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान रोड शो के दौरान आमजनों को कमल निशान दिखाकर वोट की अपील करते दिखाई दिए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन की शुरुआत मध्य प्रदेश की बहनों को लखपति बनाने की घोषणा के साथ की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर कहा कि पहले खाचरोद में सड़कें नहीं होती थी, अब चारों ओर अच्छी सड़कें दिखाई देती। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। तुम्हें मिल रहा है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा तो अनिल के साथ खड़ा रहूंगा। आप सब कमल के फूल के बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, अनिल को सांसद बनाए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। बोलिए सब तैयार हैं? आज खाचरोद नागदा संकल्प लेगा, एक एक वोट कमल के फूल पे हमारी डलेगी। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के अनिल को, भाजपा को, और बटन भी नंबर एक है, उम्मीदवार भी नंबर एक और बटन भी नंबर एक, सब चीजें एक है। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खाचरोद वालों, फिर जल्दी आऊंगा, एक बार फिर मेरी बहनों को प्रणाम, भाइयों को प्रणाम, और भांजे भांजियों आई लव यू। भरने के लिए नहीं है खाचरोद वालों, मानव जीवन सफल और सार्थक करने के लिए हम राजनीति में हैं, और हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, और भगवान की पूजा मान करी इतने बरस, चाहे विधायक हो, सांसद हो, और चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, आपकी सेवा करने की भरपूर कोशिश की है। एक तरफ विकास के सारे काम, आप बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी। आज से प्रचार बंद हो जाएगा, और आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की खाचरोद में सभा हुई है, किस प्रकार से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव 400 पार के अटका है। मोदी जी को देश के आम मतदाता फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राष्ट्रहित के लिए चुनाव है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है, इसलिए कोई किंतु परंतु वाला विषय नहीं है। मतदाता मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक अभूतपूर्व लीड मिली थी, लोकसभा चुनाव में कितनी इसके अंदर लीड प्लस में जाएगी? अभूतपूर्व, पिछली बार के सारे रिकॉर्डों को तोड़े। खबर भारतवर्ष के लिए खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।